गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चैनल आप सभी का फिर से स्वागत है और कैसे हैं आप सभी आप सभी को सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी से लाइव आ जाइए आज का जो सेशन है यहाँ पर मैं आज बात करूंगी कि जो भी वुमेन्स हैं जो भी महिलाएं हैं वो किस तरीके से चलिए सभी सभी आ गए हैं बहुत बढ़िया और आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि जितने भी फीमेल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस के क्षेत्र पर बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया है उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और बातें करेंगे और जानेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से और जो आपको बेसिकली याद होना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है चलो तो सभी आ चुके हैं बहुत बढ़िया सभी को नमस्ते सभी को प्रणाम और क्लास को जल्दी से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ में में हो रही हैं अगर तो आप सभी मुझसे पढ़ना चाहते हैं लाइव सेशन में फ्री सेशन में पढ़ना चाहते हैं बाद आप देखेंगे कि एस में या फिर बैंक में रेलवे में बहुत ही शानदार क्लासेस आप लोगों की चल रही है अगर आप सभी को सब्सक्रिप्शन लेना है ठीक है प्रीति हैप्पी वुमेंस डे डियर ठीक है सुनील पांडे नमस्ते थैंक यू सो मच और अगर आपको मेरा कोर्स करना है सब्सक्रिप्शन लेना है या किसी भी अपने फेवरेट टीचर का कोर्स परचेस करना है या फ्री लाइव सेशन देखना है तो आप सभी इस कोड को अमृता एस कोड को आप सभी यूज कर सकते हैं तो सभी तैयार हैं यहाँ पर सभी को नमस्ते सभी को बहुत सारा प्यार सभी को बहुत सारा प्रणाम चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कुछ जो स्लोगन है वो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ मेरा स्लोगन नहीं है पर मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है तो अपने हौसले से नारी भर सकती है उड़ान अपने हौसले से नारी भर सकती है उड़ान ना कोई शिकायत ना कोई थकान महिलाओं का करे सम्मान तो इससे बढ़ेगा देश का शान ठीक है तो चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सभी सबसे पहले तो जितने भी वुमेन्स हैं जिन्होंने अचीव किया है नहीं किया है उन सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे बहुत ही ज्यादा प्रेस करेंगे ठीक है सुनील बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली चलिए तो क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ साइंस हेवन चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब करना ना भूलें रात के नौ बजे वहां पर दस मिनट का एक स्पेशल सेशन है उसको अटेंड करना भी बिल्कुल ना भूलें ठीक है राघवेंद्र नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम बात करेंगे मैडम क्यूरी के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे मैडम क्यूरी से क्योंकि मैडम क्यूरी की अगर हम बात करते हैं तो उन्नीसवी शताब्दी के आसपास की बात है और इन्हें नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैडम क्यूरी के बारे में तो जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं, ठीक है सभी को पता है कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं और इन्हीं को ही क्या किया गया था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था नमस्ते सभी को बेटा जल्दी से आ जाइए आप लोगों की क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है तो अगर हम मैडम क्यूरी के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में और साथ साथ में फिजिक्स दोनों में इनका बहुत योगदान रहा है केमिस्ट्री की के अगर हम बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ द रेडियम एंड पोलोनियम और रेडियम को आइसोलेट करना रेडियो को पृथक करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है और इस वजह से इनको क्या मिला था नोबल प्राइज से इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था है ना सभी को यही बात तो पता ही होगी चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट हाँ पर मैडम से ही जो दूसरा पॉइंट रिलेटेड है वो फिजिक्स से रिलेटेड है ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि अगर भौतिकी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑन द रेडिएशन तो इन्होंने जो रेडिएशन होती है जो आपकी धर्मिताएं होती हैं जिसको आप रेडियो धर्मिताएं कहते हैं उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया था और साथ में जो हेनरी थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी डिफरेंट रेडिएशन के ऊपर उसको भी यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था उसको प्रूफ करने की यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की थी और इसके लिए भी इनको क्या मिला था यहाँ पर आप बताएंगे नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का यहाँ पर मिला था इससे पहले की अगर हम बात करें तो ये केमिस्ट्री का था ये वाले की अगर हम बात करें तो ये फिजिक्स के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से फिर से सम्मानित किया गया था ठीक है कब किया था बेटा नाइन में पहली बार किया गया था केमिस्ट्री के लिए और 1903 में फिर इनको फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर सम्मानित किया गया था दो बार ये यहाँ पर इसके लिए सम्मानित हो चुकी हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एरियन जॉयलेट क्यूरी के बारे में अगर हम इनके बारे में बात करें ये भी फ्रेंड्स के निवासी थी सेम फैमिली क्यूरी फैमिली की ही थी और इनको भी किसके लिए आ, केमिस्ट्री के लिए बहुत ही शानदार तरीके से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किसके ऊपर वर्क किया था इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यहाँ पर बनाए थे और जो भी रेडियो आइसोटॉप से उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया था यानी कि लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने इसको बहुत ही सही तरीके से बनाया था और इसी वजह से अगर हम बात करें तो 1935 के आसपास अगर आप यहाँ पर देखो तो 1935 के वेरी गुड राघवेंद्र बहुत बढ़िया तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 1935 के आसपास इनको क्या किया गया था नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नेक्स्ट यहाँ पर हम साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है डोरोथी मेरी क्राफ्ट डॉकिंग ठीक है ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती है इन्होंने क्या किया था इन्होंने बायोकेमिस्ट्री के ऊपर काम किया था किसके ऊपर बायोकेमिस्ट्री के हाँ बिल्कुल बबलू आप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अनवर मेरी जो मॉर्निंग में क्लास चलती है वो साइंस हवन और अनेकेड में में चलती है कि रिलेटेड है और इन्होंने क्या किया था बायो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था ठीक है तो इन्होंने यह बताया था कि डिफरेंट तरह के जो एनीमिया होते हैं और वो जो अमीमिया होते हैं कई बार डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल कंपाउंड्स की वजह से भी हो सकते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट वो हो सकते हैं तो उनके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था और इनको भी क्या किया गया था नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था तो इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं फटाफट से आप नोट सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की थी और 1964 में इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर सम्मानित किया गया था आगे हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में गर्टिकोरी के बारे में अगर हम यहाँ पर गर्टिकोरी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने ये बताया था कि जो ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन है वह किस तरीके से कैटलिटिकली कन्वर्ट हो सकता है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में जब भी हम ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर स्टोर हो जाता है कहाँ पर होता है हमारे यकृत के रूप में स्टोर होता है और जब उसके ऊपर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स वर्क करते हैं तो वह दूसरे फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था गैर्डिक कोरी ने बताया था और इनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल नमस्ते सभी को नमस्ते तो फटाफट से आप इसको यहां पर नोट कर लीजिए जल्दी से आप इसको यहां पर नोट कर लीजिए ओके अब हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है वो आएगा रोसेलीन एस येलो ठीक है रोसेलीन येलो की अगर हम बात करते हैं तो इन्हों इन्होंने ये कहाँ से रिलेटेड है यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड है और इन्होंने रेडियो इम्यूनो ऐसे के बारे में बताया था और आप सभी को पता होगा कि आज के टाइम पे जो रेडियो इम्यूनो ऐसे है वो कितना ज्यादा यूज किया जाता है अगर आपको कोई भी वायरल डिजीज है किसी भी विषाणु जनित कोई भी रोग अगर आपकी बॉडी में है तो उसको बताने के लिए किसका यूज किया जाता है रेडियो इम्यूनोलॉजी का यहाँ पर यूज किया जाता है तो यही चीज यहाँ पर है ठीक है चलिए ठीक है शांतनु थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे विश कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले बोल रहा है बारबरा मैक के बारे में और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो कि जो जो कॉर्न कॉर्न के अंदर देखो इन्होंने हाथ में लिया हुआ है कॉर्न ठीक है जो भुट्टा होता है जो कॉर्न होता है मक्का जिसको आप कह सकते हो कि उसमें जब हम म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं यानी उत्परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो म्यूटेशन और उत्परिवर्तन कि अगर आप बात करें तो सबसे पहले भुट्टे में कॉर्फ में उत्परिवर्तन और जेनेटिक वेरिएशन पोले के बारे में किसने बताया था तब आपका आंसर क्या होता है बारबरा मैक क्लिंटन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इनका नाम यहाँ पर नोट कर लेंगे ठीक है थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे यहाँ पर विश कर रहे हैं थैंक यू आगे हम यहाँ पर बात करते हैं रीता लेवी मोन्टल ठीक है ये इटली की है इन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है और इन्होंने ये बताया है कि डिस्कवरी ऑफ द केमिकल एजेंट्स दैट हेल्प रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द नर्व सेल्स अगर हम यहाँ पर अपने नर्व सेल्स के बारे में बात करते हैं जिसको आप क्या कहते हो तंत्रिका तंत्र के बारे में अगर आप बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है जो यूनिट होती है वो क्या होता है नर्व सेल होता है तो जो सेल होती है जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो ग्रोथ करती है वो आपको पता होगा कि वो सेल डिवीजन नहीं करती है अगर आपकी आपकी बॉडी में कोई भी एक ऐसे सेल के बारे में बात करें कि जो सेल डिवीजन नहीं करता है जो कोशिका विभाजन नहीं करता है वह कौन सा होता है नर्व सेल होता है कि जो व्यस्त होने, होने के बाद मैच्योर होने के बाद किसी भी तरीके का कोई भी कोशिका विभाजन नहीं करता है ठीक है दानिश मल्लिक थैंक यू बेटा लेकिन वो ग्रोथ करता है और उसको ग्रोथ कराने का काम उसको विकास कराने का काम कुछ न्यूरो करते हैं और जो कि मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है और वही न्यूरो की जो खोज है वो सबसे पहले यहाँ पर किसने की थी रीता लेवी ने ही इसकी सबसे पहले यहाँ पर खोज की थी ठीक है चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट है ने यहाँ पर जरियूट बी इलिकॉन अगर इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया था डेवलपमेंट ऑफ द न्यू क्लासेस बहुत सारी ऐसी बताया था ठीक है चले आगे हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिस्टीन के बारे में तो जो क्रिस्टीन थी उन्होंने क्या काम किया था द आइडेंटिफाई ऑफ जीन दैट कंट्रोल द बॉडीज अर्ली स्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि इन्होंने एक जीन की खोज की थी किसकी? एक जीन की खोज की थी और एक ऐसा जीन जो बॉडी का डेवलपमेंट कराता है यानी कि जब हम अपनी माता के गर्भ में होते हैं या फिर जब हम पैदा होते हैं जब हम इन्फेंट होते हैं जब हम शिशु होते हैं तो जो शरीर का विकास होता है वो पर्टिकुलर एक जीन की वजह से होता है और उस जीन का विकास कराने का काम क्या है आप बताएंगे पूरी बॉडी को वो विकास करा रहा है और इसको ढूंढने का काम डिस्कवरी करने का काम इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर किया है ठीक है आगे वो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर लिंडा बी बक अगर हम यहाँ पर लिंडा बी बक के बारे में बात करते हैं तो यह कौन है तो आपको बताना है कि यह सबसे पहले एक ऐसी लेडी है जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर क्या ढूंढा कि जो स्मेल हम करते हैं जो हम डिफरेंट तरह के सुगंध है बदबू है इनकी जो हम इसको जो हम महसूस करते हैं उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया कि उसको हम महसूस किसकी वजह से करते हैं इस्मेल रिसेप्टर्स की वजह से करते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले ऑल्फेट्री सिस्टम यानी कि जो घ्राण शक्ति तंत्र है उनके बारे में इन्होंने ही यहाँ पर बताया है ठीक है तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है डॉली पता नहीं मनीष आज बच्चे पता नहीं कहां है डोंट नो रियली तो अगर हम पर बात करें तो लिंडा बी बग के बारे में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट से यह बिलोंग है करती हैं वहां की रहने वाली हैं और इन्होंने किसके बारे में बताया घ्राण शक्ति के बारे में यानी कि ऑल ऑल्फ्रेंडरी जो सिस्टम है उसके बारे में इन्होंने बताया कि, कि किस तरीके से आप सुगंध और बदबू को रिसीव कर सकते हैं ठीक है चलो ठीक है सीमा अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स किस क्यों अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन्होंने ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस के बारे में बताया जो आप लोग आजकल हमेशा यही बात करते हैं एच आई वी तो एच के बारे में अगर हम बात करें तो जो एच है वो सबसे पहले इन्हीं साइंटिस्ट ने यहाँ पर छोड़ा था तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि एच जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है तो ह्यूमन वायरस है और इसको खोज करने वाली जो महिला साइंटिस्ट है वह कौन है तब आपको आंसर यहाँ पर करना है क्या फ्रेंस ठीक है तो फटाफट से नोट कर लीजिए ये फ्रांस से रिलेटेड है तो इसको आप फटाफट से यहाँ पर नोट कर लीजिए ठीक है ठीक है ठीक है सीमा आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजाबेथ एच ब्लैकबर्न अगर हम यहाँ पर एलिजाबेथ एच ब्लैकबर्न के बारे में बात बार करते हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं यूनाइटेड स्टेट से यहाँ बिलोंग करती हैं और इन्होंने क्या काम किया था तो डिस्कवर्ड टू हाउ क्रोमोसोम्स आर प्रोटेक्टेड बाय टेलोमियर्स एंड द एंजाइम टेलोमेरेज अब इन्होंने क्या बताया था कि जो भी हमारा क्रोमोजोम होता है यानी कि जो भी हमारा गुणसूत्र होता है उसमें क्या पाया जाता है एक सेंट्रोमियर पाया जाता है यानी कि एक बंद पाया जाता है जो क्रोमेटिड को साथ में रखता है यानी कि जो भी क्रोमोसोम होता है उसका जो हिस्सा है दो हिस्से में बटे हुए ये होते हैं उसको साथ में कंबाइन करके यह रखता है तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो क्रोमोसोम होता है वो अपने आप को सुरक्षित रखता है किसके माध्यम से सुरक्षित रखता है टीलोमे के माध्यम से सुरक्षित रखता है और यहाँ पर जो एक एंजाइम वर्क करता है वो क्या होता है टीलो होता है क्या होता है टीलो होता है ठीक है चलो ठीक है अनु नमस्ते सभी को नमस्ते बेटा आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कैरोल डब्लू ग्रिडर के बारे में अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या काम किया था इनके काम के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्कवरी ऑफ हाउ तो सेम ही इन्होंने काम यहां पर किया था तो आगे बढ़ते हैं है पर ब्रिट मोजर. ब्रिट मोजर. अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं नार्वे से बिलोंग करती हैं कहाँ से नार्वे से यह बिलोंग यहां पर करती है ठीक है डॉली और आगे हम यहां पर बात करेंगे कि इन्होंने क्या काम किया था तो इन्होंने ब्रेन के अंदर जो ग्रिड सेल्स होती है उसकी डिस्कवरी के ऊपर यहाँ पर इन्होंने काम किया था ठीक है तो फटाफट से इसको पर नोट कर लीजिए और ये जो सेल्स होती है इनका क्या काम होता है नेविगेशन का होता है तो आप सभी ने देखा होगा कि चाहे वो चीटी हो उसको कहाँ जाती है अपने घर जाती है अगर हम अपनी बात करें ठीक है किसमिस नमस्ते बेटा ठीक है अतुल अनूप और सतमन्यू नमस्ते सभी को नमस्ते तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यह देखेंगे कि जो नेविगेशन होता है जैसे कि अगर हम सुबह घर से निकले हैं तो रात को अपना काम समाप्त करके अपने घर पे आते हैं इसी तरीके से जो माइग्रेटेड बर्ड्स होती हैं यानी कि जो प्रवासन पक्षी होते हैं प्रवासी पक्षी जो होते हैं वह एक जगह से उड़ करके दूसरी कंट्री में पहुंचती है तो ये चीज उनको कैसे याद रहती है तो वह याद रहती है उनके ब्रेन में एक सेल्स होता है जिसको ग्रिड सेल्स कहते हैं और उसी की वजह से ही हर कोई अपने दिशा निर्देश को फॉलो कर सकता है और इस बारे में डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो यह डिस्कवरी किसने की थी मे ब्रिट मोजर ने यहाँ पर की थी ठीक है चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर तू योंगू ठीक है इनके नाम से यहाँ पर पता चल रहा है कि ये कहां से बिलोंग कर रही हैं? चाइना से बिलोंग कर रही हैं। ये कहाँ से बिलोंग कर रही हैं? चाइना से बिलोंग कर रही हैं। और अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या काम किया था इन्होंने इन्होने के बारे में यहाँ पर बताया था और आर मिसनिन क्या होता है ड्रग जो है एक औषधि है और यह मलेरिया से लड़ने वाली औषधि है ठीक है तो मलेरिया से लड़ने वाली औषधि बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही यहाँ पर कार्य किया था ठीक फ्रेंक, करते हैं तो जब कभी भी मैं आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ाती हूँ यानी डीएनए का द्वित कुंडलित आकृति की संरचना अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ाती हूँ तो उस टाइम पर आप देखोगे कि हमेशा मैं बात करती हूँ ग्रीगर जो भी आपके वाटसन है, क्रिक है, और विल्सन है, है ठीक है उनके साथ साथ मैं बात करती हूँ यहाँ पे फ्रेंकलिन के बारे में तो जो फ्रेंकलिन है उन्होंने पूरा साथ दिया था जो भी हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको बताने के लिए लेकिन हुआ क्या था कि कुछ दिनों बाद जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की बात हुई थी तो उस टाइम पे इनकी कैंसर से डेथ हो गई थी नहीं तो इनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता और आप सभी को पता है कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार का सम्मान अब बंद हो गया है है ना तो इस वजह से इनको वह सम्मान नहीं मिल पाया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने क्या बताया था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए और डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका एक्स रे रिफ्रैक्शन एनालिसिस इन्होंने ही यहाँ पर किया था तो इनका बहुत बड़ा योगदान है बहुत बड़ा योगदान है वो अलग चीज है कि इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हम नहीं कर पाए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका स्टेफनिन वोल्के अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने किसके बारे में बताया था इन्होंने पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो बहुलक होते हैं जो पॉलीमर्स होते हैं वह किस तरह के होते हैं और उनका स्ट्रक्चर उनकी जो संरचना होती है वह किस तरीके की यहाँ पर होती है आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटेन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि के जो कार्बनिक आपका जो रसायन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया था और इन्होंने किस तरीके से काम किया था कि इन्होंने सबसे पहले तो किसके बारे में बताया था कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है और साथ में इन्होंने ये बायो जो थे ल्यूनर उनके साथ भी इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया था

और खास तौर से अगर आप यहाँ पर देखो तो जो रेनियम नाम का एक हमारा केमिकल एलिमेंट है रेनियम नाम का जो तत्व है उसकी डिस्कवरी भी इन्होंने यहाँ पर की थी और इन्होंने ही सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन की संकल्पना दी थी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन किस तरीके से हो सकता है इसका आइडिया भी इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर प्रपोज किया था तो फटाफट से इसको आप यहाँ पर नोट कर दीजिए ठीक है

लेकिन यहां पर एक बात मैं कहूंगी कि इतने कम बच्चे हैं ये बहुत ही शेमफुल है एक्चुअली मेरे लिए नहीं आप सभी बच्चों के लिए कि जब भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराती हूं तो आप बहुत ज्यादा बच्चे आते हो लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में करा रही हूं तो आप ये क्या कर रहे हो तो सभी बच्चों को बोलो कि जल्दी से क्लास में आए ठीक है जल्दी से क्लास में आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को मैं चुनौती यानी कि एक कह सकते हैं चैलेंज देके कह रही हूँ कि इतने सारे फीमेल साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है पता नहीं, तो नहीं, नहीं कहाँ गए हैं सभी के सभी चलो आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री एंड डोमेस्टिक साइंस अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह एक ऐसी पहली महिला है जो कि मैसेक्योर्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में रही है और इन्होंने होम इकोनॉमिक्स के ऊपर इन्होंने आ, इन्होंने फाउंडेशन बैच भी ही सबसे पहले रखा था और अगर इस टाइम पर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कौन चल रहा है यही इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल रहा है तो इस चीज को ध्यान में रखना है ठीक है गौरी शर्मा ये जो आप लिख करके भेज रहे हो बेटा वहां पे पहले में थी तो तुम्हें पता होगा ठीक है चलो और शेम चलिए आगे हम पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है डैम एन ए मैकलेरिन ठीक है डैम एन ए मैकलेरिन अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था ममेलियन जेनेटिक्स इन्होंने यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनके अंदर जेनेटिक्स अनुवांशिकता का कार्य होता है यानी कि जितने जितने भी यहां पर, आ, rescate, भी यहां पर पर मैमल्स हैं हैं स्तनधारी प्राणी है, उनके अंदर किस तरीके से आप देखेंगे कि अनुवांशिकता चलती है और साथ में ही इन्होंने इम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी बताया था यानी कि साथ में ही इन्होंने यहाँ पर भ्रूण विज्ञान के बारे में भी बताया था भ्रूण विज्ञान के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया था तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान में रखता रखना है ठीक है चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं नेक्स्ट जो तो यहां पर पॉइंट है वो है मोरियल ऑन स्लो अगर हम यहां पर मोरियल ऑन स्लो के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया था आप बताएंगे प्लांट जेनेटिक्स एंड के ऊपर तो मतलब हो फॉलो होती है किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वह यहाँ पर चलती है तो उसको क्या कहा जाता है प्लांट जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री किस तरीके से वहां पर इन्वॉल्व होती है ठीक है ठीक है शानू नमस्ते यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट जॉब कह रहे हैं कि मैम आप ज्यादा बोलते हो पढ़ाते कम हो बेटा जी तुम जैसे लोगों के ऊपर तरस आता है तुम्हें वही लोग पसंद है जो इंटरटेनमेंट कराते हैं कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं कराते केवल ताली पिटवाते हैं है ना तो अंधभक्ति से बाहर निकलो और पढ़ाई पे और कंटेंट पे ध्यान दो बेटा कंटेंट ही आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगा ना कि भाषणबाजी समझ गए तो यहां पर पढ़ाई करो आप चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है एडित एडित ने क्या काम किया था एडित ने भी प्लांट जेनेटिक्स और बॉटनी के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पर वर्क किया था तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए तो इन्होंने यह बताया था कि जो भी प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स के जो भी लक्षण होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहुत आसानी से पहुंचते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ग्रीगर जॉन मैंडल ने भी सेम यही चीज बताई थी और इन्होंने फीमेल होने के बावजूद भी सेम यही चीज यहाँ पर बताई थी इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट है यहां पर नीटे स्टेवल्स नेडी स्टिवेंस के अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में काम कर रहे हैं जेनेटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी जेनेटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सबसे पहले कि मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है तो इसको आप यहां कह सकते हो कि कोई भी इंसान बाहरी यानी आकार उसका किस तरीके से दिखाई दे रहा है उसी को क्या कहा जाता है यहां पर मॉर्फोलॉजी कहा जाता है जैसे मैंने आपको बताया कि आपके दो आंख है एक नाक है दुकान है और आपका जिस तरीके से रूप रंग है उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा आप बताएंगे मॉर्फोलॉजी उसको कहा जाता है तो मॉर्फोलॉजी और वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगा उसके बारे में यहाँ पर किसने बताया था नेटी स्टेवन ने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो गुणसूत्र हमारे यहाँ पर होते हैं वह क्या काम करते हैं यहाँ पर कि जो भी हमारी बाहर की संरचना है जो भी हमारे एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसका इनहेरिटेंस यहाँ पर करते हैं तो इसीलिए आपने यहाँ पर देखा होगा कि जिस तरह से मम्मी पापा दिखाई देते हैं वैसे ही कुछ कुछ हम भी यहाँ पर दिखाई देते हैं ठीक है चले बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है साहिद राजा ठीक है सतमन्यू थैंक यू सो मच हाँ सतमन्यु बिल्कुल ठीक बता रहे हो यहाँ पर चलो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं ठीक है सानू नेक्स्ट आपका आता है मैरी एनिंग अगर हम यहाँ पर मैरी एनिंग के बारे में बात करते हैं तो जो मैरी एनिंग है उन्होंने फॉसिल हंटिंग के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा काम किया था फॉसिल हंटिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्होंने ही जो डायनासोर्स होते हैं जो आजकल आप जुरासिक पार्क और ये सारी चीजें जो देखते हो ना उनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले जो डायनासोर्स के अलग अलग जो भाग मिले अलग अलग जो जीवाश्म मिले अलग अलग जो फॉसिल्स मिले वो सबसे पहले ढूंढने का काम इन्होंने ही यहाँ पर किया था और इन्होंने ही पेलेंटियोलॉजी का फाउंडेशन या शिलान्यास इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर किया था ठीक है चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रेसल कौशोन अगर हम यहाँ पर रेसल कौशोन के बारे में बात करते हैं तो जो है है? वह कौन है? इन्होंने बायोलॉजी के ऊपर काम किया और बायोलॉजी में इन्होंने दो चीजों के ऊपर ज्यादा काम किया वो ये है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा बुक लिखी बहुत ज्यादा इन्होंने बुक लिखी और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सी है जो समुद्र है ठीक है उसके नेचुरल हिस्ट्री के बारे में उसके भौतिक इतिहास के बारे में कि किस तरीके से समुद्र बना होगा किस तरीके समुद्र में डिफरेंट तरह की जो बायोडाइवर्सिटी है जो जैव विविधता वह होगी किस तरह की होगी इसके ऊपर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन किताबें यहां पर लिखी है नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट आती है नेग्रेट बरियान डेविस ठीक है तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर है पेलेंटियोलॉजी के ऊपर है जीवाश्म विज्ञान के ऊपर यहाँ पर है थैंक यू थैंक यू सो मच नरेंद्र थैंक यू आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने क्या काम किया तो आप बताएंगे कि जो प्लांट पॉलन ग्रेन्स होते हैं और जो स्पोर्स होते हैं यानी कि जो परागण की विधि होती है पॉलिनेशन आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो पॉलिनेशन की विधि होती है जो परागण की विधि होती है उसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया और किस तरीके से जो प्लांट पोल पॉलन है और जो स्पोर्स है वह किस तरीके से वर्क करते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में इन्होंने बताया तो आपसे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछेगा यहाँ पर कि प्लांट पोलन और स्पोर्स की स्टडी करना यानी कि जो आपका प्लांट पॉलन है और जो स्पोर्स की स्टडी करना क्या कहलाता है तब आपको यहाँ पर बताना है कि पैलेनियोलॉजी यहाँ पर कहलाता है तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे पेलेंटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जो पेलेंटियोलॉजी है वो क्या है जीवात्म का अध्ययन करना अगर आप यहाँ पर पेलियो इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो पेल्यू मतलब क्या हो जाता है आपका पॉलन ग्रेस और डिफरेंट तरह के जो होते हैं और इकोलॉजी मतलब क्या हो जाता है आपका पारिस्थितिकी या पारिस्थिति तंत्र ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो यानी कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है जो भी आपका इन्वायरमेंट है जो भी आपका पर्यावरण है और साथ में वहां पर जो पॉलिस है और इसके साथ साथ जो प्लांट पॉलन्स है जो स्पोर्ट है उनकी स्टडी जब हम एक साथ करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है पोलियोनोलॉजी उसको यहाँ पर कहा जाता है तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना ठीक है चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर साइलविया इरे ठीक है अगर बात करें तो इन्हों का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर है तब आपको बताना है कि जो मरीन बायोलॉजी है यानी कि जो समुद्री जीव विज्ञान है क्या जो समुद्री जीव विज्ञान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो समुद्री जीव विज्ञान के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर कार्य किया है और साथ में इन्होंने ओशनियोग्राफी के बारे में भी बताया है यानी कि जो भी ओशंस हैं उनकी ग्राफी करना यानी कि उसमें जो डिफरेंट तरह के ग्राफिक्स हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताना ठीक है चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं डीएन फॉल्सी के बारे में तो ये एक जुलॉजिस्ट थी और जिन्होंने किसके ऊपर काम किया था यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो गोरिल्लास थे उनके ऊपर इन्होंने यहाँ पर काम किया था तो इन्होंने बताया था कि जो माउंटेन गोरिल्ला है वह किस तरीके के हैं वो किस तरीके से आज के टाइम पर पॉल्यूशन वजह से किस तरीके से परेशान हो रहे हैं हंटिंग की वजह से पोचिंग की वजह से और जो भी ह्यूमंस हैं जो भी इंसान हैं वो किस तरीके से इनको नुकसान यहां पर पहुंचा रहे हैं ठीक है चलो अब हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर जीन गुडेल अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है पेरेमेटोलॉजी पेरेमेटोलॉजी मतलब क्या हो गया तो आप यहां पर लिखेंगे प्राइमेट एंड लॉजी प्राइमेट की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको कहा जाता है कपि और लॉजी मतलब क्या हो जाता है आपका यहाँ पर अध्ययन करना तो अगर यहाँ पर बात करें तो ये जो फीमेल साइंटिस्ट थी यह एक जुलजिस्ट थी ठीक है एक जंतु विज्ञान के ऊपर इन्होंने काम किया था और इसके साथ साथ आप यह देखेंगे कि डिफरेंट तरह के जो चिंपेंजीज होते हैं या गोरिल्ला होते हैं जो कोप्स होते हैं जो किसके अंदर आते हैं प्राइमेट के अंदर यानी कि कपी के अंदर आते हैं उनके अंदर इन्होंने स्टडी यहाँ पर की थी और एक नया ब्रांच है ठीक है एक नया जो ब्रांच यहाँ पर होगा वो कौन सा होगा आपका यहाँ पर आप बताएंगे प्राइमेटोलॉजी ठीक है तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है क्लियर है हाँ तक ओके आगे ठीक है थैंक यू कृष्णा ठीक है आदि चलो आगे देखते हैं आगे यहाँ पर मेरी डोंगलेस लेकी ठीक है अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने क्या काम किया था तो आप बताएंगे डिफरेंट तरह के जो फॉसिल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के जो जीवाश्म होते हैं ठीक है ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि जो भी हमारा मानव का विकास हुआ है क्या हुआ है जो भी हमारा मानव का विकास हुआ है आज हम उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमें जो कुछ भी फॉसल्स मिले हैं जो कुछ भी जीवाश्म मिले हैं उन जीवाश्म की डिस्कवरी करना उनकी अलग अलग तरीके से खोज करना और फिर उसके बाद मानव के विकास का अध्ययन करना तो इस काम के लिए पूरा का पूरा जो श्रेय होता है वो किन्हीं जाता है इन्हें ही जाता है लेकी को ही यहां पर जाता है इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो यहाँ पर इकोलॉजी एंड पैलेन्टो एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर इन्होंने वर्क किया है अब ये दो शब्द को हम यहाँ पर समझेंगे यहां से भी आपका एक क्वेश्चन यानी कि दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन सकता है किस तरीके से बन सकता है तो ऑर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले की जो डिफरेंट तरह के फॉसल है उनको खोजना स्टडी करने को तो पलेंटियोलॉजी कहते हैं तो खोजना ठीक है और दूसरी चीज क्या होगी पोलेंटियो यानी कि जीवाश्म और नेक्स्ट आपका क्या हो गया एंथ्रोपो और एंथ्रोपो के लिए मैंने क्या कहा था कि जहां पर भी एंथ्रोपो वर्ड आएगा उसका मतलब होता है या आपका ह्यूमन या नर या फिर मानव ठीक है तो मानव वर्ड यहाँ पर ज्यादा सही है तो यहाँ पर आप बता रहे हैं मतलब क्या हो गया जीवाश्म और मतलब क्या हो गया आपका मानव और लॉजी मतलब क्या हो गया स्टडी करना तो मानव के विकास का अध्ययन हो रहा है किस बेसिस पे हो रहा है जीवाश्म जो ढूंढे गए हैं उस बेसिस पे यहाँ पर हो रहा है तो उसी को क्या कहा जा रहा है यहां पर आपको बताना है पेलियो एंथ्रपोलॉजी उसको यहां पर कहा जा रहा है तो इस तरह से क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जा सकता है ठीक है बच्चा ठीक है कृष्णा सारांश बहुत बढ़िया ठीक है सतमन्यु घनश्याम यादव डॉली बहुत अच्छा ठीक है पंकज नमस्ते बेटा ठीक है कनक आगे हम यहाँ पर बात करते हैं मार्गरेट मीड के बारे में तो इन्होंने किसके बारे में स्टडी की है यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में स्टडी की है एंथ्रोपोलॉजी मतलब अगेन यानी कि यहाँ पर क्या मतलब हो गया एंथ्रोपो मतलब अध्ययन करना क्या अध्ययन करना ठीक है तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ही इज द पॉइंटरिंग स्टडी यानी कि पॉइंटर है एक तरह से यानी फाउंडेशन रखना किसी चीज का तो अगर आप यहाँ पर देखो तो पॉइनरिंग स्टडीज ऑफ द साइकोलॉजी एंड कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ ओशनिया तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो किस तरीके से किसी भी जो सभ्यता है यहाँ पर खास तौर से अगर हम बात करें तो जो सभ्यता है वह किस तरीके की है उनकी जो साइकोलॉजी की जो फॉर्म है वह किस तरीके की है उसकी अगर हम बात करें तो उसका अध्ययन करने का श्रेय इनको यहाँ पर दिया जाता है आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट यहाँ पर बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है तो क्वेश्चन आपका कैसे पूछता है सबसे पहले तो एंटीमोलॉजी क्या होता है ठीक है तो एंटीमोलॉजी क्या होता है मैंने जितने भी पुराने बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पर पढ़ाया हुआ है एंटीमो एंटीमो मतलब होता है इंसेक्ट यानी कि कीट और लॉजी मतलब क्या होता है स्टडी करना है ना तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं जितने भी इंसेक्ट होते हैं जितने भी कीट होते हैं उनकी अगर हम स्टडी करने के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है एंटमोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है ठीक है और नेचर आर्ट यानी कि नेचर आर्ट मतलब ये जाती थी जंगलों में और वहां पर ये डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स हैं ट्रीज हैं इंसेक्ट हैं इनकी स्टडी करती थी और उनकी ड्रॉइंग्स यहाँ पर बनाती थी तो इनके ड्रॉइंग्स को देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फायदा मिला बाद में जो भी साइंटिस्ट ने यहाँ पर एंटेमोलॉजी का अध्ययन किया उनको तो ये क्या करती थी इंसेक्ट और प्लांट का किस तरीके से रिलेशन है और किस तरीके से जो इंसेक्ट है एंटेमोलॉजी है उसकी स्टडी हम कर सकते हैं उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वर्क किया है ठीक है ठीक है सुधांशु ठीक है सचिन नमस्ते बेटा ठीक है आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है वो है मार्ग्रेट मोर्स नीज ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इनके बारे में तो इन्होंने बताया था इथोलॉजी एंड ऑर्निथोलॉजी के बारे में तो ये क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और जो भी बच्चे यहाँ पर यह पूछ रहे हैं कि मैम डिफरेंट तरह के जो आ, साइंस के ब्रांचेस होते हैं उनके स्टडी के बारे में तो बच्चा वो मैंने आपको स्पेशल सेशन में करवाया है अनएकेडमी एप्लीकेशन में तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो बाकी मैं यहाँ पर भी आपको डिटेल में ही पढ़ा रही हूँ तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसको आपको यहाँ पर देखना है एंथोलॉजी के बारे में अगर आप एंथोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो एंथोलॉजी तो आप अगर देखेंगे तो आपके आसपास का वातावरण किस तरीके का है उसका अध्ययन करना और ऑर्मिथो ऑर्मिथो की अगर हम बात करें तो जो बर्ड्स होती हैं जो चिड़िया होती हैं जो पक्षी होते हैं उनकी स्टडी करने को ऑर्मिथोलॉजी कहा जाता है और इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्क किया है ठीक है नमस्ते सभी को नमस्ते चलो ठीक है कटप्पा नमस्ते बेटा नेक्स्ट यहाँ पर बात आएगी अब एलिजाबेथ कैरेट एंडरसन के बारे में तो अगर हम यहाँ पर एलिजाबेथ के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जनरल मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क यहाँ पर किया है और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वर्जीनिया अफगर अप, के बारे में तो इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया है कि जब हम जब हम औरतों के बारे में बात करते हैं और जब वो प्रसव करती हैं जब वो किसी भी बच्चे को जन्म देती हैं तो वो मर जाती थी ठीक है उनको बहुत सारे रोग यहाँ पर हो जाते थे तो अगर हम पर देखें तो डिफरेंट तरह के जो इन्फेंट हेल्थ होता है यानी कि शिशु की जो बीमारी होती है माता की जो बीमारी होती है वो मरे ना वो सही तरीके से जी सके इसके ऊपर वर्क करने का काम सबसे पहले यहाँ पर किसने किया था विरजनिया एपगर ने यहाँ पर किया था मैं अच्छी लग रही है क्लास थैंक यू सो मच थैंक यू ठीक है सुधांशु ठीक है चलो आगे यहाँ पर यहाँ पर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है यहां पर मे जेमिसन मे जेमिसन की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इन्होंने इंटरनेशनल मेडिसिन और स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरह इन्होंने काम किया था और ये फर्स्ट यानी कि पहली अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी जो कि एक एस्ट्रोनॉट की तरह इन्होंने काम यहां पर किया है तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बन सकता है क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री बनी थी सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बनी थी तब आपको यहाँ पर बात करते हैं नहीं आ, पढ़ाई पे ध्यान देंगे ठीक है पढ़ाई पे ध्यान देंगे इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ठीक है गोनू नमस्ते तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ से भी आपका एक बन सकता है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका मैथिलेट क्रीम अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने क्या बताया था इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेडिकल रिसर्च और हेल्थ एजुकेशन एड्स और एच थ्रू रिसर्च एंड जो एजुकेशन यानी कि यह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम एच के बारे में बात कर रहे हैं और एड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको एजुकेशन में जोड़ करके, में जोड़ करके करके शिक्षा में सभी तक यहां पर पहुंचाया जाए कि, कि किस तरीके से एड्स होता है किस तरीके से एच पॉजिटिव बनते हैं किस तरीके से एच यानी कि जो वायरस है वह एक व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक यहाँ पर पहुंच पाता है तो इसको शिक्षा में यहाँ पर जोड़ा जाए उसके लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा यहाँ पर काम किया था ठीक है चलो आगे हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में फ्लोरेसेंस नाइट इंगल के बारे में अगर आप यहां पर बात करें तो इन्होंने किसके बारे में काम किया था यहाँ पर नर्सिंग के ऊपर इन्होंने काम किया था ठीक है जो नर्स होती हैं तो नर्सिंग जो है वो भी आपके मेडिकल फील्ड से ही यहां पर संबंधित है तो इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने फंडामेंटल फिलोसफर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग तो अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि आधुनिक नर्सिंग का जो शिलालेख किया था या पिता तो कहा माता तो कह नहीं सकते तो फाउंडर इसके लिए वर्ड अगर यूज किया जाता है तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर फ्लोरेसेंट नाइट एंगल ठीक है यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट आपका यहाँ पर है एलिजाबेस्टर्न एलिजाबेथ स्टर्न की अगर हम बात करते हैं तो ये आती है पार्थोलॉजी और कैंसर यानी कि कैंसर के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा वर्क किया था और इन्होंने यह बताया था कि जब नॉर्मली अगर आप किसी भी सेल को देखते हो किसी भी अगर आप कोशिका को यहाँ पर देखते हो तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो नॉर्मल है बहुत अच्छी बात है लेकिन जरूरत से ज्यादा जब वह सेल डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पर कर रही है कोशिका विभाजन की जब वो प्रक्रिया यहाँ पर कर रही है तो वह आगे जाकर के कैंसर कॉज यहाँ पर कर सकती है तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ठीक है चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं दो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में और आप सभी को इनकी जो इमेज है वह देख के पता लग गया होगा कि 2020 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पर मिला है अगर आप पर बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर यह देखेंगे कि जो इम्यून है ठीक है और इसके साथ में जैनिफर है ये दो ऐसे यहाँ पर साइंटिस्ट हैं जिन्होंको साथ में केमिस्ट्री का 2020 का नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है पहला जो है वो है आपका यहाँ पर कि जो पहली है जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने जीनोम एडिटिंग के ऊपर यहाँ पर काम किया है कि जो भी हमारा जीनोम है जो भी हमारा जीन है क्रोमोजोम के ऊपर अटैच होता है उसको हम काट सकते हैं उसको हम किसी और का जीन यहाँ पर जोड़ सकते हैं तो उसके बारे में इन्होंने कि जीनोम एडिटिंग का जो मेथड है जो विधि है वह किस तरीके का हो सकता है उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर काम किया है साथ में अगर हम जेनिफर के बारे में बात करते हैं तो इन्हों, इन्होंने भी वही सेम काम किया है दोनों ने साथ में एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर किया गया है ठीक है कृष्णा बहुत अच्छा आगे हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन की दो, दो पर्सनालिटी खास पर्सनालिटी जो चर्चा का विषय रही है सबसे पहले तो आपसे यहाँ पूछा जाता है कि अगर भारत की मिसाइल वुमेन के बारे में हम बात करते हैं है ना ये फिजिक्स के अंतर्गत आ जाता है आपका अगर यहाँ पर बात करते हैं मिसाइल वुमेन के बारे में जो महिला मिसाइल या मिसाइल महिला के बारे में तो वह कौन है तो आप सभी को पता है कि मिसाइल मैन तो हम जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे उनके लिए हम यूज करते हैं है ना ये जो ऑनर है ये जो सम्मान है लेकिन अगर किसी महिला के बारे में बात की जाए तो जो मिसाइल वुमेन है वह किसके लिए इंडिया में यूज किया जाता है तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है आ, क्या टेसी थॉमस क्या आंसर करना है टेसी थॉमस तो यहाँ पर एक मिसाइल के बारे में बात हो रही है जिस मिसाइल का नाम है अग्नि मिसाइल क्या है यहाँ पर अग्नि मिसाइल तो जो अग्नि मिसाइल है तो तो शी इज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू हेड द मिसाइल प्रोजेक्ट और यही एक ऐसी पहली महिला बनी जिनको यह एक भार सौंपा गया किसका मिसाइल प्रोजेक्ट का इनको भार यहाँ पर सौंपा गया और इसके साथ ही इन्होंने जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम अग्नि है उसकी स्ट्रेटजी इन्होंने ही यहाँ पर डिजाइन की थी और इस प्रोजेक्ट की हेड भी यही थी तो यहां से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है ठीक है तो फटाफट से नोट कर लीजिए कि यहां से भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जिस तरीके से मिसाइल मैन की तरह वो फेमस थी इसी तरीके से रॉकेट वुमेन के लिए कौन यहां पर फेमस है ठीक है अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है तो रॉकेट की अगर हम बात करें और मंगलयान की अगर हम बात करें तो मंगलयान प्रोजेक्ट की जो कर्ता धरता थी यानी कि जो हेड थी वह कौन थी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है तो फटाफट से आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए रितु कैरदल श्रीवास्तव ठीक है तो ये है इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग विद द इसरो यानी कि इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यह कार्यरत है और यह डिप्टी ऑपरेटर डायरेक्टर है कहा की इंडिया मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान की ठीक है और इनको यहां पर क्या कहा जाता है आप बताएंगे कि रॉकेट वुमेन इनको यहाँ पर इंडिया का कहा जाता है तो इसको फटाफट से आप सभी यहां पर नोट कर लेंगे ठीक है फटाफट आप इसको यहां पर नोट कर लेंगे ठीक है प्रमोद ठीक है डॉली ठीक है कृष्णा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चलिए अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर अदावनाथ ठीक है अदाबनाथ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इन्होंने जो राइबोसोम्स होते हैं क्या आप सभी को पता है ना कि जो राइबोसोम्स है वो किस नाम से फेमस है वो फेमस है आपके किस नाम से प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल यानी कि कोशिका की जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है उस नाम से ये फेमस है तो इसकी स्टडी करने के लिए इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताने के लिए ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सम्मानित है ठीक है चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंसिस अर्नोल्ड फ्रेंसिस अर्नोल्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट डायरेक्टेड इवोल्यूशन ऑफ द एंजाइम्स कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका विकास किस तरीके से होता है और हमारे विकास में हमारे डिफरेंट दैनिक जीवन में हमारे मेटाबॉलिज्म में हमारे ऊपर पचन क्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो एंजाइम्स हैं वह किस तरीके से काम करते हैं इसके लिए इन्होंने यहाँ पर कार्य किया था ठीक है चलो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं मारिया के बारे में तो अगर आप यहाँ पर मारिया गोयपल्ट मेयर के बारे में बात करते हैं ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है और इन्होंने क्या काम किया था डेवलपमेंट ऑफ द शेल न्यूक्लियर मॉडल थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई तो हम यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो इलेक्ट्रॉन के सेल पढ़ते हैं उन सेल के बारे में इन्होंने यहाँ पे उसके डेवलपमेंट के बारे में एक मॉडल थ्योरी इन्होंने बताई थी और साथ में इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर के बारे में भी यहाँ पर बताया था ठीक है ठीक है अभी चल आज का जो टॉपिक है बेटा वो ये है कि आज वुमेन्स डे है तो वुमेन्स डे जो स्पेशल यहाँ पर क्लासेस चल रही है तो उसमें आज मैं आपको ये बता रही हूं कि ऐसे कौन कौन सी महिला साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है या आ सकता है और उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंस में ठीक है चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है वो है डोना स्ट्रेकलैंड के बारे में अगर हम यहाँ पर डोना स्ट्रेकलैंड के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया

और बायोलॉजी में जो उन्होंने वर्क किया है उन्हीं के ऊपर ही यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक जो लड़का है यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट वाला वो कह रहा है कि टी और फेस सेम है, नायका प्रोडक्ट वेस्ट हो गया शेम शेम। बेटा देखो पहली चीज तो ये है मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से आप लोग ना आप जो हो स्पेशली पढ़े लिखे गवार हो आपको शायद लाइटिंग का इफेक्ट नहीं पता है अगर बोर्ड के ऊपर हम लाइट देते हैं तो फेस का जो कलर uh, है वो दबा हुआ महसूस होता है दूसरी बात काला होना कोई शर्म की बात नहीं है अगर मैं आपको काली रखती हूँ तो इट्स ओके okay. तो क्या दुनिया में जिनका कलर काला है उनको क्या शेमफुल होना चाहिए नहीं होना चाहिए अगर आप इस तरह का नेचर रख रहे हो देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा कलर टोन डिफरेंट है बट अगर आप कोई भी लड़की है खास तौर से लड़की है लड़का है खास तौर से लड़कियां हैं अगर आप उसको काली बोल रहे हो तो वो तो इसका टोन है जेनेटिक राइट right? लेकिन आपकी जो मानसिकता है उसके ऊपर आपको बहुत ही शर्मिंदा होना चाहिए बच्चा क्योंकि इस ये जो आप बातें कर रहे हो ना ये किस तरह की बातें हैं कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आप इतनी निम्न सोच रख रहे हैं ठीक है अब रही दूसरी बात बेटा देखो अगर मेकअप करके आएंगे तो डेफिनेटली अच्छे लगेंगे सुबह से रात तक तुम्हारे लिए कंटेंट जब हम तैयार करते हैं तो ये स्थिति हो जाती है और मेहनत बोलता है चेहरा नहीं मेहनत बोलता है कंटेंट बोलता है दूसरी चीज दूसरी जो लड़कियों को आप काली बोल रहे हो या कुछ और कलर आप उसको कह रहे हो तो बेटा ये गलत चीज है सुधर जाओ क्योंकि आगे जाकर के ये आपका जो करैक्टर है उसको बहुत ही गलत ले जाएगी बाकी आप मुझे बोल लो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना कुछ मैंने सुन आ, सुना हुआ है और देखो सबसे बड़ी चीज है कि आज वुमेन्स डे है फिर भी पहली चीज तो ऐसे जो बच्चे होते हैं बच्चे नहीं होते हैं और बच्चे अगर होते हैं तो अपना नाम लिख लिखते नहीं है ठीक है उल्टा सीधा नाम वो लिखेंगे ठीक है और अगर सामने खड़ा कर दो तो नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी पर बेटा मेरे को तरस आता है मैं भगवान से यही तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी भगवान तुम्हें सदबुद्धि दे क्योंकि मुझे अपने से छोटे भाई बहन के ऊपर आजकल गुस्सा ही नहीं आता ठीक है तो चलो कोई बात नहीं नाइका प्रोडक्ट बेटा नाइका प्रोडक्ट तो वैसे भी मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया है ठीक है चले तो कोई बात नहीं गिरीश इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है वो लड़का है वो मेंटली रूप से रिटार्डेटेड है आप लोग सभी प्रेयर करना कि उसको मिले चलिए तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर नौ बजे देखती हूँ ठीक है नौ बजे आप लोग को मैं यहाँ पर मिलती हूँ कहाँ पर मिलूंगी मैं आपको साइंस हेवन चैनल पर मिलूंगी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए तो रात के 9:00 बजे मैं आपको साइंस 7 चैनल पर मिलूंगी सिर्फ 10 मिनट का आपका समय लूंगी वहां पे मुझे कुछ आपको स्पेशल बातें करनी है दूसरी बात यह है कि अनअकैडमी एप्लीकेशन में जो लाइव सेशन चल रहा था उस उसके लिए मैं आपको फिर से 10:00 बजे जो आपका अनअकेडमी uh, एप्लीकेशन मिलूंगी फ्री क्लासेस में और इस टाइम पर जो मेरी क्लास है वह रेलवे कैटेगरी में चल रही है और जो मेरा कोड है वो आप सभी को पता ही है क्या है अमृता एस ठीक है तो उसको आप क्लिक कर देंगे तो फ्री में आप लाइव सेशन दे सकते हैं आपको कुछ भी यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा ओके चलो तो थैंक यू सो मच टेक केयर बाय